मैडम, हम तो संविधान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से भी मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। नमाज। आज मैडम हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं तो संविधान की ताकत है, अगर संविधान ना होता तो हमको पता नहीं कहाँ भेज दी होती वर्तमान सरकार और आप जैसे पत्रकार। कोई भेड़ियों का इस देश में संविधान है, बाबा साहब हैं। कोट पैंट पहनने का अधिकार मोदी जी ने नहीं दिया है, लेकिन कोट पैंट उतरवाने का काम वर्तमान सरकार चाहती है कि कब हो जाए। आप बताइए कि कोट पैंट टाई पहन के अगर कोई 80 समाज का लोग निकलता है तो वर्तमान सरकार के पेट में दिक्कत होती है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव सृष्टि के साथ और अभी मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में, जहाँ हजारों की संख्या में लोग भारत बंद किए हुए हैं और सबकी एक ही डिमांड है कि 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण से संबंधित निर्देश जारी किए गए थे उसके विरोध में लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी खास बातचीत में हमारे साथ अनुराग ओझा जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी जय भीम। यहाँ काफी संख्या में भीड़ है, आप लोग भारत बंद कर रहे हैं आज, क्या कहेंगे? हम लोग मैडम भारत भी बंद कर सकते हैं, मीडिया का दफ्तर भी बंद कर सकते हैं, सरकार के संसद भवन का दरवाजा भी बंद कर सकते हैं, और हम लोग सब कुछ बंद कर सकते हैं। समझदार के लिए इतना इशारा काफी है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि हमने आगाज कर दिया है? बिल्कुल, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। अभी मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी ये कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही मायने में ये पता ही नहीं है कि किस तरह का आदेश जारी हुआ है, लोग अभी भी बड़े कंफ्यूजन में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए मैडम, जो जजमेंट आया है कि एक लोगों को मिल रहा है ज़्यादा और एक लोगों को मिल रहा है कम, कैसे हो सकता है? ये भैया मान लीजिए कि इनको ज़्यादा मिल रहा है, इन भैया को कम मिल रहा है, ना इन्होंने अमेरिका में ज़मीन खरीद ली, ना इन्होंने अमेरिका में ज़मीन खरीद ली, तो इनको ज़्यादा कैसे मिल रहा है? ना ये जज हैं, ना ये जज हैं, तो मतलब ज़्यादा और कम की बात कहाँ से आ गई? ये मतलब भटकाया जा रहा है। 78 साल में अभी तक दलित समाज इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो गया है कि वो 2 एकड़ ज़मीन भी खरीद लेंगे। अरे भैया, सही से वो घर नहीं चला पा रहे, सही से वो अगर इतना आर्थिक तरीके से 78 साल में मजबूत हो जाते तो वो अपने बेटे को अभी तक में कोई बिजनेसमैन बना देते। आप गिनती करवा दो ना, एक भी बिजनेसमैन गिनती करवा दो ना। मैडम, आज मैं देखा हूँ पूरे दिल्ली के अंदर में 5 SC जज का नाम बताइए, 5 SC जज क्यों, क्या कारण है? मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप बता दीजिए। जातिवाद, सबसे बड़ा जातिवाद, कॉलेजियम सिस्टम, क्लोजियम सिस्टम इस देश से। अनुराग भाई, आज ब्राह्मण होकर के हम लोग के समर्थन में आए हैं, बाबा साहब के भी समर्थन में, लेकिन हमें लगता है ब्राह्मण इसके विरोध में आएंगे, क्योंकि ये दलित के समर्थन में आए हैं। इस देश में जिस दिन क्लोजियम सिस्टम खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, और चाहे वो ब्राह्मण का भी बच्चा क्यों ना, ब्राह्मण में भी गरीब है अनुराग भाई भी जज बन सकते हैं वहाँ। आप क्लोजियम सिस्टम खत्म करो और एग्जाम के माध्यम से आप फाइट करो और वहाँ पे जज बनेंगे। अब नहीं चलेगा जज का ही बेटा जज, अब एक कहावत है ना कि रानी का कोख से बेटा पैदा हुआ वही बन जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, वो हाल नहीं होने वाला है इस देश में। क्लोजियम सिस्टम हम लोग खत्म करेंगे और ये हो कर रहेगा, चाहे वो चंद्रचूड़ साहब हो कि बोल देंगे अब मेरा बेटा फिर बन जाएगा जज, तो नहीं बनने देंगे हम लोग। आपने जज की बात की है, देश में नौकरी कितनी है अनुराग जी? मैडम आप, मैं एक चीज जानता हूँ कि देश का हमारे 83% युवा बेरोजगार है जी। तो फिर जज बनने की इतनी जो ख्वाहिशें हैं वो कैसे पूरी होंगी? आप बताइए, जो आगे पीछे वाली बात है उस पर भाई बता रहे हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग कौन हैं? हम लोग हैं, लेकिन जब हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो मुझे यकीन है कि जो आज आरक्षण पर जजमेंट आया है कि एक आगे एक पीछे, वो खत्म होगा, और आरक्षण उस दिन खत्म किया जाएगा जिस दिन जातिवाद इस देश से खत्म होगा। जिस दिन जातिवाद मैडम खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश से आरक्षण को भी खत्म करने की बात की जाएगी। लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज को, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का जज को अगर लग रहा है इस देश में कि चमार हो गया, पासवान हो गया, कई ऐसे जाति लोग होंगे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, हम लोग आरक्षण खत्म तो होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा, आप 10% अलग से आरक्षण लेके आओ और उसको 2 आरक्षण। आरक्षण क्यों भाई, कोटा पे कोटा नहीं चलेगा, भाइयों में लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई दलित समाज सुन लो, आज
ये मनुवादी भाजपा सरकार, चाहे मोदी हो या और योगी हो, चाहे तमाम जो है भाजपा के लोग, ये लोग लड़वाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उसको पेट में दर्द हो चुका है कि दलित समाज कहीं ना कहीं या दलित आदिवासी तमाम ये एकता का परिचय देते हैं हर चीज़ में, इसलिए वो लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। अब दिल्ली में जा हम लोग को वाल्मीकि समाज से लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वाल्मीकि समाज को बोल रहा है नहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कमज़ोर है तो उसको 10% आरक्षण लेके आना भैया, उसको हमारा तो संविधान में जो आरक्षण है हम मानते हैं वो मेरा मौलिक अधिकार है, इसको हम लोग हिलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी। आपका ये कहना है कि जैसे हम खाते आए हैं वैसे ही खाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कौन चीज़ खा रहे हैं मैम, कहाँ हम लोग खा रहे हैं? अगर एक मिनट, आप जैसे ये सवाल किए, क्या मान के चलो अनुराग भाई है हमारे यहाँ पे और ये पढ़ेंगे ही नहीं, और हम पढ़ रहे हैं तो आरक्षण का फायदा कौन लेंगे ये पहले बताओ। आप बोलोगे जीतन राम मांझी जी जैसा कि बयानबाजी कर दो तो ये चलेगा? आप पासवान समर्थन में आए हैं भाजपा में रहते हुए भी, पहली बार वो बंदा को दे, वो आज जो आपका लेकर आईएएस का जो चल रहे हैं अभी बैकलॉग का ले, उसके खिलाफ भी आए हैं चिराग, लग रहा है कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान को, मतलब आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, अनुराग जी कुछ बोलेंगे इस पे? देखिए मैडम, जो पीछे से भर्ती हो रही है उसमें अगर पीछे से भर्ती की जाएगी तो काबिल लोग पीछे रह जाएंगे। ये प्रथा तो नई नहीं है मैडम, सब लोग नए नए हैं जी। और एक कहावत है कि नवा नवा ऊ ज्यादा ऊ चिल्लात है। अब मैडम मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या था। आप बताइए कि जैसा का सीधा भर्ती हुआ उसको एक गेंद फेंकना नहीं आता है, ठीक? पहले अटेम्प्ट में किसका हुआ था? उसका अमित शाह के लड़के, उनका ओम प्रकाश, ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है उनकी, ये पास कर गए 2019 में, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे था, उन्होंने आईएलएस का एग्जाम क्वालीफाई। अगर हमें लगता है संविधान का एक आर्टिकल भी पूछ दीजिएगा तो उसको पता नहीं होगा ओम बिरला का, लगता है हकीकत है, या तो उसको सामने बुला दो और उसको पूछो और हमको भी पूछो, देखते किसमें कितना ताकत है। मैडम ये जान जाइए आप कि जितने लोगों की बैकफुट वाली भर्ती थी ना, अगर ये सरकार ले आती और उन लोगों का, अगर मेरे सामने, मैं तो अभी बीए कर रहा हूँ और मेरे सामने उनका इंटरव्यू कर लेते ना, तो उनको चपरासी बनने की भी उनके अंदर योग्यता नहीं होती है। सिर्फ सरकार के वो चहेते होते हैं और उनका सिस्टम वहाँ से होता है जहाँ से पूरी सरकार चलती है। अब आप जानते हैं कौन सी प्रयोगशाला से सरकार चलती है, उसी प्रयोगशाला से सीधी भर्ती की जाती है। आप बताइए कि उसी प्रयोगशाला से कुछ इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं जो पुल बनाते हैं और बीच से ही पुल धंस जाता है। ये तो लगातार बिहार में मुझे लगता है 20-30 पुल तो ढही गए होंगे इस बारे में। समझदार पत्रकार हैं मैडम फिर आप बताइए कि यूपीएससी में लेकर आ रहे हैं, जब उसको मालूम नहीं होगा तो जिला कैसे चलाएगा, जब उसको कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी तो कैसे चलाएगा? अनुराग जी नहीं, उनकी जानकारी होगी, जानकारी कितनी है आप बताइए? रोड जब बनता है मैडम तो रोड पूरा चेक होता है या अगल बगल का चेक होता है? लेकिन आज के कुछ इंजीनियर हैं जो सीधा आ गए हैं, वो देखते हैं कि गाड़ी का चक्का इधर जा रहा है इधर जा रहा है, बीच में कोई चेकिंग नहीं होगी। ये भी बोलते हैं इंजीनियर, ये भी बोलते हैं हम लोग सरकार के प्रेशर, नेता के प्रेशर में ये करना पड़ता है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, मुझे पता है रॉ मटेरियल के बारे में। आप सरकार के प्रेशर में काम करते हैं? तो मैं नहीं करता हूं सरकार के प्रेशर, क्योंकि हम गुलाम बनना ही नहीं चाहते सरकार का। तो आप मना कर देते हैं डायरेक्ट? मना क्या करते, हमको बनना ही नहीं सरकार का, मैं नॉलेज के लिए पढ़ा हूं। अनुराग जी देश में तो समानता के अधिकार की बात हो रही है लगातार, इस बारे में आप क्या कहेंगे? समानता की बात की जा रही है मैडम, क्या बताएंगे आम लोग? किस समानता की बात की जा रही है पहले आप समानता बताइए, देश में है कहाँ बताइए? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे आप बताएंगे तो मैडम, जब आप बताएंगे किस चीज की समानता देश में चल रही है तभी तो मैं बोल, राइट टू इक्वालिटी ऑफ एवरीथिंग। अगर समानता है तो आज दलित के हाथ से गाँव में लोग क्यों नहीं खाते हैं? अगर समानता है तो दलित के यहाँ पे अपनी बिटिया का ब्याह क्यों नहीं करते हैं? अगर समानता है तो दोनों लोग साथ में हाथ कंधे में कंधा मिला के क्यों नहीं चलते हैं? अगर समानता है तो आज बेटी बेटा में मतलब फर्क क्यों किया जाता है? अगर समानता है तो घोड़ी चढ़ने पर क्यों मारा जाता है? अगर बताइए कि अगर समानता है तो मूछ रखने पर क्यों मारा जाता है? अगर समानता है तो कहाँ है मैडम उनकी फाइलों में? मैडम हमारे गोंडा से आदम गोडवी साहब हुए थे, उन्होंने लिखा था उनकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है, लौटाएंगे वो सारा। समाज तो हमारा पितृसत्तात्मक रहा, लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, जितना तुम्हारे जुल्म का हम पर उधार है। ताकत अगर तुम्हारे में है सितम करो तो हमारे पास भी अंबेडकर फूले पैरसा पेरियार है। लेकिन बाबा साहब का संविधान तो खतरे में है। लेकिन उनका संविधान खतरे में डाल कौन रहा है? वही लोग जो कह देते 400 पार दीजिए संविधान बदल देंगे,
आप संविधान को खतरे में डालेंगे? हमने उनको 240 पार नहीं होने दिया, हम कहाँ डालेंगे मैडम। हम तो संविधान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से भी मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। आज मैडम हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं तो संविधान की ताकत है। अगर संविधान ना होता तो हमको पता नहीं कहाँ भेज दी होती वर्तमान सरकार और आप जैसे पत्रकार। कोई भेड़ियों का पत्रकार, आपको नहीं लगता कहीं हम भी उसी कैटेगरी में भगा दिए गए होते तो? बिल्कुल मैडम, आप बताइए कि कौन जो मतलब डिजिटल मीडिया है वही मीडिया आज हम लोगों को सुना रही है, जनता तक पहुँचा रही है हमारी बातों को। जो बड़की मीडिया है वो किन की विचारधारा पर चल रही है? अच्छा आप बताइए बड़की मीडिया में SC ST मानुटी के लोग कितने हैं? एक भी नहीं है। बताइए मैडम, आगे जा रहे हैं बड़की मीडिया वाले और आरक्षण खत्म किया जा रहा है भाई का, तो ही गलत है मैडम। अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे और बाकी मैडम आप समझदार हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला है। तो आरक्षण से संबंधित जो आदेश जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपस में लोगों का वर्गीकरण होना शुरू हो गया है, खुद में लोगों की जो मनशाएं हैं वो फिट नहीं बैठ रही हैं, अलग अलग तरीके से लोग। मैडम आप बताइए कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कहा था फूट डालो और देश की तमामों संपत्ति को लूट डालो, और आज भी वर्तमान सरकार फूट डलवा रही है जाति जाति में। पहले दलितों को ब्राह्मण से लड़वाया, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, अब दलित को दलित से ही लड़वा रहे हैं। तो इनका जो चिड़िया चरित्र है, जो भाजपा का चिड़िया चरित्र है, उसको मैडम कोई समझ नहीं पाया है। जैसे नारी को नारायण नहीं समझ पाए थे, वैसे ही इस देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी को नहीं समझा पा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री लिखी हुई बातों को बोलते हैं मैम, जिसको बिरसा मुंडा का जन्मदिन सही से पता नहीं, इसलिए नहीं पता है, अब वो बोल रहे हैं 1875 में हम उसके हितैषी हैं आदिवासियों। अरे वो टंग स्लिप नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता मैडम, उसको ज्ञान नहीं है। कितना बार कभी कहते हैं बेटी बचाओ ये आगे बाबा साहब, कभी कहते हैं कि बेटी बचाओ और फिर क्या कहते हैं क्रांत करो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बचाने की बात जब आती है तो चिन्मयानंद स्वामी को बचाते हैं लोग। सर पड़ोसी की अब तमन्ना हम भी रखते हैं। एक एक करके मैं बात करूंगा जी, एक एक करके जी। हाँ, मैडम आप बताइए कि जब तक इस देश में संविधान है, बाबा साहब हैं, कोट पैंट पहनने का अधिकार मोदी जी ने नहीं दिया है, लेकिन कोट पैंट उतरवाने का काम वर्तमान सरकार चाहती है कि कब हो जाए। आप बताइए कि कोट पैंट टाई पहन के अगर कोई 80 समाज का लोग निकलता है तो वर्तमान सरकार के पेट में दिक्कत होती है, और कुछ लोगों को तो मैडम जो जजमेंट लेकर आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके सपने में आ जाता है कि आज एक समाज पीछे है। वो जज कितने दिनों से हैं? काफी दिनों से हैं, और उनको आज याद आता है कि वाल्मीकि समाज बहुत पीछे है। अरे वाल्मीकि समाज पीछे है तो उनको और आरक्षण दीजिए, और आरक्षण समाज को इतनी उसको दर्द हो रहा है कि वाल्मीकि समाज हमारा पीछे है, तो दिल्ली के अंदर में जितने वाल्मीकि समाज को आप ठेके पे कटवा रहे उसको परमानेंट कर दो ना, तब तो जानेंगे आप दलित का नौकरी का तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 2% नौकरी बची है देश में, सबको जज बनना है, कैसे होगा? बताइए मैडम, हर चीज प्राइवेट कर दीजिए, मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमको सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री भी प्राइवेट कर दो। और प्रधानमंत्री अगर वो बोलते हैं हम वेतन जो लेते हैं, वेतन लेने के बाद वो फिर क्या बोलते हैं, पेंशन भी उसको खत्म कर दो ना पहले। चीज तो प्राइवेट हो गया, प्राइवेट तो आप भी प्राइवेट हो जाओ भैया, सारा चीज तो प्राइवेट हो गया, आरक्षण बचाई का बीजेपी तो MPO की क्या जरूरत पड़ रही है हमें, इन MPO को प्राइवेट करो, क्यों ये इतने एयरपोर्ट की सुविधा लेते हैं, मेडिकल की सुविधा लेते हैं, 20-20 कमरे लेते हैं, 100-100 आदमी, 50-50 आदमी मजदूर लेते हैं जो फ्री में काम करते हैं, कई कई लाखों करोड़ अरबों रुपए का जो खर्चा आता है MPO का वो कहाँ से आता है? जनता से तो निकालते हैं, हम गरीब आदमियों से निकालते हैं, जो बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, रोड पर आए हुए हैं, जिन्हें 60-60, 65-65 तनख्वाह मिलती, आज उनको 15-15 हज़ार रुपये में काम करवा रहे हैं, ये हरासमेंट नहीं है क्या? बच्चे पढ़े लिखे रोडों पर घूम रहे हैं, क्या उनको शर्म नहीं लगती? उनको शर्म नहीं आती? या इतना मतलब है ज़्यादा पढ़े लिखे, उनके बच्चे तो बिना पढ़े लिखे बिना एग्जाम दिए IAS बन जाते हैं, और हमारे बच्चे पढ़े लिखे होके लाइन में भी नहीं खड़े कर देते हमें, तो क्या है ये? मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो पहले थी, बाबा साहब ने भी मनुवाद का बहुत बड़ा सामना किया, आज बाबा साहब अकेले थे उस समय, अब तो बाबा साहब बहुत सारे हैं, ये कितनी भी जोर लगा ले, हम चाहे कुछ भी हो,
चाहे मर जाएं, लेकिन ये मोदी के जो विभिन्न प्रकार के जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट जो आता वो बिल्कुल गलत आते और विरोधी हैं, और देश का विनाश जो होएगा ये मोदी जी करके जाएंगे, क्योंकि जातिवाद में इन्होंने बांट रखा, कभी जातिवाद को ये बखेर देते हैं, कभी जाति के जाति में लड़वा देते, क्या ये तो इनकी पहले से व्यवस्था ऐसी रही है, क्योंकि मनुवादी की व्यवस्था ये रहती थी कि गरीब आदमी के बच्चे पढ़ लिख कैसे गए। आज कक्षा 3 में और कक्षा 6 में बाबा साहब की जो संविधान की प्रस्तावना थी वो भी खत्म कर दी, तो बाबा साहब का तो ये संविधान खत्म करने के चक्कर में लगने, बाबा साहब का संविधान खत्म कक्षा 3 और कक्षा 6 में बाबा साहब की जो प्रस्तावना हुई वो भी NCERT से बंद करवा दी, क्या ये देश का विकास करेगा मोदी? ये तो देश का विनाश करेगा।